हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक ऐसा दाव खेला है जिससे हिमाचल में बीजेपी की रणनीति गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। वीरभद्र सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए एक ऐसी सीट का चुनाव किया है जहां पिछले 10 सालों से बीजेपी का परचम लहरा रहा है। वीरभद्र सिंह ने इस बार शिमला के अर्की विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा है, जो कि अपने आप में कई मायनों में खास है। 1993 से 2003 तक हुए 3 विधानसभा चुनावों में अर्की विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते, लेकिन 2007 के बाद से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब वीरभद्र सिंह ने सीट से नामांकन कर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बीजेपी के लिए मुश्किल इस बात की है कि वीरभद्र सिंह ने अब तक 13 चुनाव लड़े हैं और आज तक कोई भी नेता उन्हें हराने में सफल नहीं हो पाया। वीरभद्र सिंह ने चौथी बार अपना निर्वाचन क्षेत्र बदला है और इतिहास ये कहता है कि जब जब वीरभद्र सिंह ने निर्वाचन क्षेत्र बदला है, वहाँ की जनता ने उनका साथ दिया है। जहाँ एक तरफ वीरभद्र सिंह ने बीजेपी को अपनी गुगली में फंसाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर मजबूत नेता माने जाने वाले रतनपाल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वीरभद्र सिंह के सीट बदलने के कारण अर्की हिमाचल की हॉट सीट बन गई है, जिसे जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों भरपूर जोर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 18 दिसंबर को की जाएगी। 18 दिसंबर को ही इस बात का निर्णय हो पाएगा कि वीरभद्र सिंह ने जो गुगली फेंकी है उसमें बीजेपी फंसी है या नहीं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।